गुरुदेव को जब संजीवनी भगवान की भक्ति मिल जाती है तब वे मूर्छित मन का भी उपचार कर देते हैं। श्री लक्ष्मण जी का उपचार किया तो गुरुदेव के मिलने से उपचार हो जाता है। और देखिए मैं भी आपको बता रहा था कि जिन गुरुदेव के मिलने से मूर्छित मन का भी उद्धार हो जाता है उन्हीं गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करते हैं श्री तुलसीदास जी। वंदहु गुरु पद पदुम परागा, वंदहु गुरु पद पदुम परागा, वंदहु गुरु पद पदुम परागा, पराग की वंदना, गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, और इसके बाद श्री गुरु पद नख गुरुदेव के चरणों के नाखूनों की वंदना, मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। स्मरण किया कि जिनका स्मरण करने से दिव्य दृष्टि आती है। और इसके बाद वे कहते हैं गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरुदेव की पद रज की वंदना, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, और गुरुदेव का जो चरण रज है वो अंजन के समान है। रंजन क्या पुराने जमाने में जो ज्योतिषी लोग होते थे वो आंखों के पास कुछ लगाए रहते थे, उससे
जमीन के अंदर जो भी सोना खजाना गड़ा हो दिख जाता था, अंजन बोलते थे उसको। तो ऐसे ही गुरुदेव का, गुरुदेव के चरण रज अंजन के समान है, और वो चरण रज अजब अंजन के समान है, और उसको जब हम अपने आंखों में लगा लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? जब हम गुरुदेव के चरण रज को आंख में लगा लेंगे क्या मिलेगा हमको? कहा सूझ ही राम चरित मणि माणिक, गुप्त प्रकट जो जहां जही खानिक। भगवान के मणि माणिक चरित्र हमको दिखने लगे, मणि माणिक चरित्र दिखने लगे।